वंदे मातरम स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट असाइनमेंट नंबर टू। हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ, तो आज हम क्या करेंगे, असाइनमेंट नंबर टू स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन इन दिस, आंसर द फॉलोइंग बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है और फिर आपको आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स कैन यू सी इन दिस फिगर। हमसे क्या कहा गया, हाउ मैनी ट्राइंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर। आपको यहाँ पर कितने सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल दिख रहे हैं, हमें ये बात पूछा गया है। तो आप अगर सर्कल देखो तो मुझे 1, 2, 3, 4 सर्कल नज़र आ रहे हैं। ये दिख रहा है, ये क्या, ये तो ओवल है, तो ये सर्कल तो होगा नहीं, तो ये हम नहीं गिनेंगे। इसके अलावा रेक्टेंगल दिख रहे, रेक्टेंगल कितने दिख रहे, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, राइट, 5 रेक्टेंगल और कौन सी, यस 2 रेक्टेंगल ही रहे ये दोनों, तो ये कितने हो गए टोटल, 7 रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी दो अपोजिट साइड सेम होती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। लेकिन वहीं जब सारी साइड सेम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर, द 1, द सेकेंड वन इन दिस हाउस। तो दो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ट्राइंगल उसी घर की छत पे दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, राइट। अब ये वाला कोई बोलेगा, मुझे सर्कल दिख रहा है, सर्कल नहीं है, ये क्या है, ओ वी ए एल, ओवल, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पिक्चर। नाउ नेक्स्ट पिक्चर की, फर्स्ट पिक्चर के आंसर्स मैंने दिए, नेक्स्ट पिक्चर्स के आंसर आपने खुद ने देने हैं। जैसे इसमें हमसे पूछा कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स कैन यू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्राइंगल, आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, आपको जितने दिख रहे हैं आप उतने लिख सकते हो, ठीक है। मुझे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है और कोई ट्राइंगल यहाँ नहीं दिख रहा। नाउ सर्कल्स की बात करूँ, एक सर्कल, दो सर्कल, उसके अलावा इसकी फिंगर में देखिए 4-4 सर्कल है, तो 8, 9, 10, मुझे 10 सर्कल्स निकल दिखाई दे रहे हैं, 10 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगल कितने, एक गर्दन में, दो हाथ में, पैरों में और एक ये जो काट बनी हुई है उसको पकड़ने के लिए, इस तरीके से मुझे अलग अलग चीज़ें दिख रही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, कितने सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, कितने रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं, सो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। नाउ आंसर द फॉलोइंग इन अ सिंगल लाइन, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट आंसर द फॉलोइंग इन अ सिंगल लाइन। अब आपको बताना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, राइट द नंबर दैट कैन कम आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। इस बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया, दैट आफ्टर और बिफोर की मीनिंग्स, एम पी एम, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, राइट। सो आफ्टर मीन्स बाद में, तो 7, 8, 9, 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो लास्ट यूनिट प्लेस चेंज होगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6, राइट। जैसे 15 के बाद 16 आता है, 25 के बाद 26 आता है, वैसे ही यूनिट प्लेस चेंज होता है, आगे का तो नंबर सेम रहता है, ठीक है, जब तक जीरो नहीं आ जाता उसके बाद तक। तो 7, 8, 9, 5 का क्या होगा नंबर, जो 7, 8, 9, 5 के बाद आए, इट इज़ 7, 8, 9, 6। नाउ हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, 366 भी होते हैं, पर वो कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर। हमें ऐसे स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि हमें लीप ईयर के बारे में बताना है, वरना हमसे कहा जाता हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, लीप ईयर के बारे में पूछा जाता तो आप क्या लिखते हैं, 366, जिसमें क्या होता है कि फरवरी में 28 की जगह 29 डेज आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ कौन से ईयर के बारे में, 2021 के बारे में, ये कौन सा ईयर है, इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो 365 डेज होंगे, बट 2020 जो था वो लीप ईयर था, तो उसमें फरवरी में कितने डेज थे, 29। नाउ द थर्ड वन इज, द टाइम इज 9:10, यानी 9:10 हो रहा है नाउ, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद क्या समय होगा, अगर अभी 9:10 है तो बाद में 10 मिनट बाद 9:20 होंगे, यानी 9:20, सो दैट्स हाउ
द थर्ड क्वेश्चन्स आंसर इज 920. हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक क्यूब में कितनी एजेस होती है. एजेस यानी क्या होती है, एजेस मतलब साइड्स. तो मैं यहाँ पे एक क्यूब बना लेती हूँ छोटा सा. ये हमारा 3D शेप का क्यूब बन गया, राइट. अब इस क्यूब के लिए मैं कहूँ तो नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये पीछे वाले 12. मेरे ये टोटल 12 क्यूब्स, सॉरी 12 एजेस, राइट. सो एक क्यूब की कितनी एजेस होती है, 12. एजेस यानी साइड्स होती है, दो कॉर्नर के बीच की जगह. आप इमेजिन कर सकते हो अपने रूम में, आप जहाँ भी बैठे हो, राइट. आपका रूम कैसा है, क्यूबॉइडल होगा या क्यूब होगा, ठीक है. एजेस तो उतनी रहने वाली क्यूब और क्यूबॉइड की. तो आप क्या करोगे, जितने भी कोने आप वो गिनो पहले. कितने कोने दिख रहे हैं आपको अपने रूम में, चार देखो छत पे, 1, 2, 3, 4. चार कोने छत में और चार कोने ज़मीन में, ठीक है. तो हर कोने के बीच की जो लाइन जाती है वो, तो कितनी लाइनें दिख रही होगी आपको टोटल, चार एक दीवार पर, चार दूसरी दीवार पे, ठीक है. उसके अलावा 8 हो गए, और उसके अलावा 2 ऊपर 2 नीचे, 9, 10, 11, 12. इमेजिन हो गया. तो आंसर क्या था, 12. नाउ फिफ्थ इज, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ जनवरी मंथ. जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, ओके आई हैवंट आंसर्ड हियर. जनवरी मंथ में होते हैं 31 डेज. जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31, राइट. नाउ पुट अ साइन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन. तो जो नंबर बड़ा होता है उस पर हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं. तो 23 बड़ा है 67, ऑब्वियसली 67. तो ये जो चोंच जैसा कुछ दिख रहा है उसका मुंह हम खुला रखेंगे 67 की तरफ, राइट. नाउ 84 डिवाइडेड बाय 4. 84 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 21. करके देख लेते हैं. एट कौन से नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे. 0 बचा, 4 नीचे लेंगे. 4 कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे. सो हमारा आंसर क्या है, 21. कन्वर्ट दिस इंटू ग्राम. 6 kg 200 ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में. अब 200 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में ही है. 6 kg, 1 kg विच मीन हाउ मेनी ग्राम, 1 kg विच मीन 1000 ग्राम. तो 6 kg मतलब कितना ग्राम होगा, 6000 ग्राम होगा, राइट. 1 kg अगर 1000 ग्राम है तो 6 kg 6000 ग्राम होगा. सो दैट्स हाउ 6 kg मतलब 6000 प्लस 200, तो एज इट इज, तो 6200 ग्राम. नाउ राइट 25,000 इन वर्ड्स. 25,000 को आपको वर्ड्स में लिखना है. तो हाउ विल यू राइट 25,000 इन वर्ड्स. 20 की स्पेलिंग TWENTY, 20. 5 की स्पेलिंग FIVE, और 1000 की स्पेलिंग THOUSAND, सैंड. 25,000. नाउ 12th क्वेश्चन इज 20,000 प्लस 1000 प्लस 345 प्लस 98. जब आप इसका टोटल करोगे, आई विल डू योर 2000 प्लस 0. अब आप क्या होंगे, प्लस 1000 प्लस 1000, इसका एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2144. कैसे, 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 कितने होते, 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, राइट. सॉरी 13, यार इज 13 ओनली, 5, ओके. सो आप 3 लिखोगे और 1 कैरी में दे दोगे. इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 21443.
तो इस तरीके से ही कंप्लीट हो गया पूरा पूरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर. सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ आंसर द फॉलोविंग्स. नाउ नेम द फॉलोइंग शेप्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग शेप. तो हमें फर्स्ट शेप कौन सा दिया गया है, ऐसा शेप जिसकी क्या है दो साइड्स और अपोजिट दो साइड सेम है. तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. क्या ये RECTANGLE रेक्टेंगल. और दूसरा जो है वो क्या है, ओवल. ओवल क्या है, OVAL ओवल, राइट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राखी इज 12 ईयर्स ओल्ड. राखी की एज क्या है, 12 ईयर्स. और उसकी मॉम, हर मदर इज 38 ईयर्स ओल्ड. उसकी मॉम 38 ईयर्स की है, ओके. हाउ मेनी, सॉरी हाउ मच यंगर इज राखी देन हर मदर. तो राखी कितने साल छोटी है उसके मॉम से. तो हम क्या करेंगे, 38 माइनस 12. सिंपली हम क्या करेंगे, थर्टी एट माइनस ट्वेल्व. एट माइनस टू इज सिक्स. थ्री माइनस वन इज टू. आंसर इज 26 ईयर्स यंगर. सो हेंस राखी इज 26 ईयर्स यंगर देन हर मदर. नाउ थर्ड वन इज सचिन स्कोर्ड 186 रन्स इन द टेस्ट क्रिकेट मैच. कितने रन, 186 रन. हाउ मेनी मोर रन्स शुड ही मेक टू स्कोर अ डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी अब बताइए कितने रन की होती है, डबल सेंचुरी होती है 200 रन्स की. और हमसे क्या कहा कि सचिन ने 186 रन कर लिए हैं. अब 186 के बाद में डबल सेंचुरी यानी 200 तक जाने के लिए और कितने रन करने पड़ेंगे उसे. सो हियर वी गो 186 के बाद 187 188 189 देन 190. ठीक है, 191 192 193 194 195 196 197 198 199 और 200 कंप्लीट. 5 प्लस 5 10 प्लस 1 14. टोटल कितने रन और बनाने, 14 रन और बनाने. दैट्स हाउ यू हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फोर्थ वन इज राजू बॉट यानी राजू ने खरीदा अ शर्ट फॉर रुपीज़ 135 एंड ट्राउज़र फॉर रुपीज़ 189. कितने रुपए का शर्ट खरीदा, 135 का, और एक ट्राउज़र यानी एक लोअर 189 रुपीज़ का खरीदा. तो राजू के टोटल कितने पैसे खर्च हुए. सो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. नाइन प्लस फाइव इज 14. आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह यानी 12. वन टू थ्री, 324 इज योर आंसर, राइट. हियर इज योर आंसर 324. यानी टोटल राजू के कितने पैसे खर्च हुए, 324. नाउ काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन दिस फिगर. अब इस फिगर में कितने एजेस दिख रहे हैं और कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं. कॉर्नर यानी कोने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. कितने कॉर्नर हैं यहाँ पर, 12. और एजेस देखें तो कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कंप्लीट हो गया फिगर. सो 12 एजेस एंड 12 कॉर्नर्स, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड द कॉर्नर्स इन द फिगर. टोटल एजेस और टोटल कॉर्नर्स बताने हैं, ठीक है. सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों ही 6, 6 है, राइट. नाउ अगेन नेक्स्ट. नाउ हमें क्या कहा, सेवेंथ क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कहा गया, ठीक है. सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 माइनस 9 नहीं होगा तो हम इससे एक ले लेंगे. यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 15 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 6. और ये 2 था, यहाँ से 1 ले लिया और ये 12 हो गया, ये हो जाएगा 86. सो आंसर क्या है, 86. और अगला आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 102. अपने से इस तरीके से सॉल्व करना है. नाउ द एट्थ वन इज
वॉट विल द टाइम बी? 1 आवर आफ्टर 10:30, 1 घंटा बाद. 10:30 अगर अभी हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10:30 अगर अभी हो रहे तो 1 घंटे बाद क्या होंगे? 11:30, 11:30 बजेंगे, राइट. नेक्स्ट वन इज 15 मिनट्स आफ्टर 3:30. अभी 3:30 हो रहे हैं तो 15 मिनट बाद क्या होगा? 3:45. अगर अभी 3:30 है तो 15 मिनट बाद कितने होंगे? 4:15, यानी 3:45. नाउ द नाइन्थ वन इज ड्रॉ द क्लॉक एंड शो द फॉलोइंग टाइम. एक आपको मतलब क्या करने हैं? क्लॉक्स ड्रॉ करने हैं. तो फर्स्ट क्या है, ए वाला 6 बजे बतानी है. तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्लॉक बनाई है. 6 o'clock हमने रेडी कर दी और 6:45 आपको बनाना है. 6:45 भी हमने यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके दोनों आंसर्स हैं, इसमें 6 बज रहे हैं, इसमें 6:45 हो रहे हैं. नाउ राइट द टाइमिंग फॉर इच क्लॉक. इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? ये देखिए आर एंड किस पे छोटा वाला, 2 पे, इसमें 3 पे, यहाँ 2 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 4 पे, यानी 4 बज रहे हैं. और यहाँ पे ये देखिए 6 पे बड़ा वाला और 8 और 9 के बीच में छोटा वाला, यानी यहाँ पे हो रहे 8:30. सो हमारा आंसर राइट है रॉन्ग हम देख लेते हैं. सो दैट्स हाउ आर आंसर्स आर करेक्ट. ओके, इसमें बड़ा वाला यहाँ पे तो ये कितने हो रही, 3:30 हो रहा है. ये आपको ध्यान देना है इस तरीके से, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और इस तरीके से हमारा जो असाइनमेंट है, सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हमने देख लिए, फिर इन द ब्लैंक्स हमने देख लिए, फिर उसके बाद में हमने ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स देख ली, क्वेश्चन नंबर 4. फिर हमारा किस बारे में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट. फिर हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. तो ये सभी के सभी हमने देख लिए हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. इस तरीके से आपका मैथ्स का असाइनमेंट कंप्लीट हो गए. आपके मैथ्स के 2 असाइनमेंट्स थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम ईवीएस के असाइनमेंट जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.